में 9 जनवरी से बसों के पहिए थम जाएंगे। ड्राइवर्स ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की बैठक में इसको लेकर रणनीति बना ली गई है और यह बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बसों के पहिए थम जाने हैं छत्तीसगढ़ में। एक तरफ ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पर थे, उन्होंने गाड़ियों के पहिए बंद कर दिए, गाड़ियां नहीं चलाईं और उसकी वजह से क्या स्थिति बन गई थी हमने ये देखा। लेकिन अब यात्रियों के लिए परेशानी उठ खड़ी होने वाली है क्योंकि ड्राइवर्स ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये लागू नहीं होगा, अभी केंद्र की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन फिर भी नए हिट एंड रन कानून के ही विरोध में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की बैठक में रणनीति बनाई गई है। 9 तारीख से हड़ताल। यहाँ पे सब लोग का डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी अपना वीडियो जब तक हमको लिखित में नहीं देंगे, जब तक लिखित में नहीं देंगे, सामने आके बोलेंगे नहीं कि कानून को हटाया गया है या कुछ देर के लिए कुछ कर दिया गया, जो भी है उनका रिजल्ट जो अमित शाह जी जब तक आके हमको नहीं बताते तब तक ये हमारी हड़तालें खत्म नहीं होगी। हमको जहाँ और चलिए बढ़ते आगे, धार की बात करेंगे जहाँ पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लग गई। ट्रक में खाना बनाया जा रहा था और इसी दौरान हादसा हो गया, ट्रक में ही आग लग गई। ट्रक का ड्राइवर क्लीनर ट्रक में ही खाना बनाने का काम कर रहे थे और उसके बाद देखिए धूं धूं कर पूरा ट्रक जलने लगा, ट्रक जलकर खाक हो गया। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया, लेकिन काफी नुकसान हो गया। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन जो है वहां मोदी पेट्रोल पंप के पास ही की ही घटना। इसको भी पीछे करवा दो, वो तो चढ़ गया ड्राइवर। तो वो तो पानी से ही बुझेगी।